अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पुतिन ने अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। साफ संकेत है कि जंग के मोर्चे पर ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी रूस आर पार की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इस बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जवाब देने के लिए खुद पुतिन सामने आए। पुतिन ने बम बारूद या किसी मिसाइल का जिक्र नहीं किया, ना ही किसी परमाणु युद्ध की चेतावनी दी, लेकिन फिर भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ा दी। पुतिन ने इस बार साफ संकेत दिया कि आर्थिक वार का जवाब रूस की तरफ से भी दिया जाएगा। वार भी ऐसा होगा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होगा। रूस की कई कंपनियों का अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों में बड़ा निवेश है। इनमें एनर्जी सेक्टर ही नहीं बल्कि कई उद्योगों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। खबर है कि रूस की कंपनियों के हिस्सों पर उन देशों की सरकारों ने कब्जा करने का प्लान बनाया है। इसी प्लान पर रूस की तरफ से पलटवार हुआ। पुतिन ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ये दुधारी तलवार जैसा होगा। मतलब साफ है कि नुकसान अकेले रूस का नहीं होगा बल्कि हर एक्शन का उतना ही बड़ा रिएक्शन भी होगा। और पुतिन की चेतावनी केवल अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों के लिए ही नहीं है बल्कि ऊपर है इससे भी ज्यादा। वो ये कि अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए रूस कुछ कड़े कानून तैयार कर भी चुका है, जिन्हें बस वहां की संसद से पास होने और पुतिन के साइन की जरूरत बाकी है। माना जा रहा है कि रूस के जिन बैंकों पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाए, उन बैंकों के बारे में रूस में भी माहौल बिगड़ रहा है। रूस की ही बड़ी कंपनियां और कारोबारी इन बैंकों के साथ काम करने से झिझकने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो भी अमेरिका और यूरोप के निशाने पर न आ जाएं। इसलिए रूस एक ऐसा कानून लागू करेगा जिससे ऐसे कारोबारियों और कंपनियों को सीधा निशाना बनाया जा सके। कानून के तहत उन लोगों को 10 साल की सजा दी जा सकती है जो अमेरिका के प्रतिबंधों को मान रहे हों। प्रतिबंधों वाले बैंकों या उद्योगपतियों से किनारा करने वालों पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि ऐसा कानून जिससे यूरोप और अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध का कम से कम रूस में कोई असर नहीं होगा। यूक्रेन में ऑपरेशन की शुरुआत के 42 दिन बाद रूस की ये सख्ती यूरोप और अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली है।